क्या आप जानना चाहते हैं वह दिनांक, वह दिन, वह तारीख, वह डेट जिस दिन कोरोना समाप्त हो जाएगा, COVID-19 समाप्त हो जाएगा? और वह भी वह दिनांक, वह दिन जो एक शोध पर आधारित है, रिसर्च बेस्ड है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह घड़ी जिसका मानवता को इंतजार है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्कि कृष्णन अष्टोद्यम.com से। आप सब लोगों ने हमारा वह वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें हम लोगों ने पिछले 1000 साल की सारी महामारियों का आंकड़ा इकट्ठा किया, डेटा कलेक्ट किया और उन सब के आधार पर एक ज्योतिष का शोध किया। ज्योतिष के प्रेमियों ने, ज्ञानियों ने उस वीडियो का संज्ञान लिया और दुर्भाग्य से कुछ टेलीविजनी ज्योतिषियों ने उस रिसर्च को हमारे यूट्यूब के वीडियो को देखने के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको रिसर्च की फाइंडिंग्स को, उस शोध के तथ्यों को अपना बता बता करके टेलीविजन पर बताया। कुछ यूट्यूब पर भी वीडियो हमने देखी, लेकिन नकल में भी अकल चाहिए होती है। वह समझ नहीं पाए कि यह पूरा जो शोध है उसमें मूल तत्व क्या है, क्योंकि उन्होंने कोरोना के या COVID-19 के विभीषिका के प्रारंभ होने समझ लिया, लेकिन अगर वो ध्यान से समझते तो और भी यह बता देते कि यह COVID-19 की विभीषिका या समस्या या पैंडेमिक या महामारी कब समाप्त होने वाली है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं यहाँ पर ऊपर दाहिनी तरफ आपको मिल जा रहा है, इसको यहाँ क्लिक करके आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा लंबा है इसलिए बोर भी लगेगा, एकेडमिक है, रिसर्च बेस्ड है, इसलिए अच्छा लगे देखिएगा, नहीं तो नहीं अच्छा लगे मत देखिएगा। मैं उसका निष्कर्ष बता देता हूं। मैं हुआ क्या कि जब COVID-19 प्रारंभ हुआ तो तमाम भविष्यवाणियां लोग करने लगे, इस तारीख को खत्म हो जाएगा, इस तारीख खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक वीडियो डाल करके ज्योतिषियों से आग्रह किया कि कृपया इस बारे में भविष्यवाणी न करें, क्योंकि इस तरह की जो भी वायरस वाली बीमारियां होती हैं वह राहु से संचालित होती हैं। राहु ग्रह ज्योतिष में छाया ग्रह कहा गया है, ये इल्यूजन है, भ्रम है, और उसके संबंधित भविष्यवाणियां ज्यादातर अगर बहुत उसके पीछे शोध नहीं है तो गलत हो जाती हैं। लेकिन लोग नहीं माने और तमाम भविष्यवाणियां करते रहे और सारी भविष्यवाणियां गलत होती रही। कई भविष्यवाणियों को लोगों के निवेदन पर हमने भी आगे फॉरवर्ड किया। मित्र लोग हैं, कर रहे हैं भविष्यवाणी और शोध किया होगा, देखा होगा, लेकिन बाद में मैंने देखा कि सब कुछ गलत निकल रहा है और ज्योतिष का नाम बदनाम हो रहा है। फिर हमारी टीम ने, अष्टोद्यम की टीम ने पूरे 1000 साल का, जो एक वैज्ञानिक पद्धति है, पूरे 1000 साल की सारी महामारियों का डेटा इकट्ठा किया और उसमें ज्योतिष के ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में जो जो हमारे मापदंड दिए गए हैं महामारियों के बारे में, विभीषिकाओं के बारे में, समस्याओं के बारे में, एक एक करके हमने लगाना शुरू किया। इस बारे में ज्योतिष का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वराहमिहिर की बृहत संहिता, उसके हमने लगाए महामारियों पर और दुर्भाग्य से एकदम एक्यूरेट, एकदम शुद्ध कोई नहीं निकल पा रहा था। फिर हमने और भी ग्रंथों को देखना शुरू किया। एक ग्रंथ है सबसे प्राचीन जो संपूर्ण रूप में प्राप्त होता है, वैसे जैसा मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ग्रंथ हमारे अब विदेशी आक्रमणकारियों के कारण नष्ट हो गए, खत्म हो गए। सबसे प्राचीन जो ग्रंथ मिलता है गर्ग संहिता, लेकिन गर्ग संहिता में पूरी तरह से नहीं मिलती है। तो हम लोगों ने सबसे जो पुरानी और पूर्ण रूप से ग्रंथ मिल रहा था वो पराशरी संहिता, पराशरी संहिता का हम लोगों ने देखा और उसको देख करके हमने उसके भी मापदंडों को कसौटियों पर कसना शुरू किया। तब उसमें जो एक श्लोक मिला हम लोग को, वह श्लोक देखिए नीचे स्क्रीन पे आ रहा है। इस श्लोक के आधार पर हम लोगों ने थोड़ा सा इसको ट्वीक किया, थोड़ा हल्का किया। इस श्लोक का सामान्य सार्थ है यही है जो स्क्रीन पे आ रहा है कि बृहस्पति और शनि जब एक नक्षत्र एक राशि में आते हैं तो बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। बहुत सरल अर्थ बता दे रहा हूँ, संस्कृत आप पढ़े होंगे, जो लोग ज्ञानी जन है वो असली अर्थ समझ जाएंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा इस अर्थ को थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा मरोड़ा अपने हित में। लेकिन मजे की बात हुई कि जब हम इस श्लोक के मापदंड को, बृहस्पति और शनि के मापदंड को हमने जब लगाया तो पूरा का पूरा जो है
लगभग हर महामारी में यह मापदंड खरा उतरने लगा, सही उतरने लगा। यही बात हम लोगों ने वहां पर उस शोध में दिखाई है। तो जब उस श्लोक के मापदंड को थोड़ा सा हमने स्थूल करके जब हमने महामारियों पर लगाना शुरू किया तो लगभग हर महामारी में वह मापदंड सही निकलने लगे। ये बड़ी आश्चर्य की बात थी। फिर हम लोगों ने इस मापदंड को कोरोना या COVID-19 पर लगाया और मैं आपको दो तीन स्क्रीन भी आपको दिख जाएंगे अभी कि जब हम लोगों ने लगाया शुरू किया कि शनि जिस राशि में है उसमें बृहस्पति कब आया, क्योंकि हमारा मूलभूत था कि बृहस्पति और शनि जब जो है एक राशि एक नक्षत्र में आते हैं तो वह समस्या उत्पन्न करते हैं। तो जब हम लोगों ने पूरा चक्र ग्रहों को घुमाना शुरू किया तो हमने देखा कि बृहस्पति जो है शनि के साथ जो है राशि में कब आए, 5 नवंबर 2019 को सुबह 5:18। देखिए जो स्क्रीन पहले 5:17 वाली है उसमें बृहस्पति और शनि अलग अलग राशियों में है। 5:18 होते ही सुबह 5 नवंबर 2019 को बृहस्पति शनि एक राशि में आ गए। तो जो हमारा शोध है हमने तारीख निकाली जो है कि यह COVID-19 या कोरोना या जो भी आप नाम दें यह प्रारंभ हुआ 5 नवंबर 2019 को सुबह 5:18। यह हमने शोध में निकाल करके रख दिया और बृहस्पति शनि आगे पीछे होते रहे, बार बार आते रहे जाते रहे, जिस कारण से आपको फर्स्ट वेव सेकेंड वेव ये सब सारी दिख रही है, कभी कहीं ऊपर हो रहा है कहीं नीचे हो रहा है। उसमें एक और बात है, हर देश अलग अलग कुंडली होती है, उसका राशि होता है, उसका नक्षत्र होता है, उसका लग्न होता है, इस कारण से भी अलग अलग ग्रहों अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता रहा। तो ये जो हम लोगों ने शोध किया और पब्लिक डोमेन में डाल दिया, सार्वजनिक रूप से डाल दिया, तो जो नकलची ज्योतिषी थे वो चाहते तो इसको उपयोग करके अंतिम तारीख भी जान सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपनी ये उल जुलूल की बातें करके अलग अलग तारीख बताते। लेकिन जब हम लोगों ने इस शोध को आगे बढ़ाया कि जब बृहस्पति शनि अंतिम रूप से अपना संबंध कब खत्म करेंगे, फिर हमने ग्रहों को घुमाना शुरू किया, बढ़ाते गए, कभी बृहस्पति शनि अलग हो रहे हैं फिर जा रहे हैं, अंतिम रूप से जो तारीख आई वह 20 नवंबर 2021 को रात के 11:32 बृहस्पति अंतिम रूप से शनि से अलग हो जाएंगे। तो यह तारीख हमारे शोध के अनुसार कोरोना के समाप्ति की तारीख है, जो हम लोग बहुत पहले शोध में जान चुके थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि देखते हैं, हमने शोध तो डाल दिया, अब देखते हैं लोग क्या करते हैं। लेकिन केवल लोगों ने नकल के अलावा कुछ नहीं किया, टीवी पर या यूट्यूब पर जो भी जो है बोला वो उसको, क्योंकि आत्मा उस शोध की नहीं समझ सकते थे और हम जान रहे हैं कि आज ये तारीख बताएंगे, इसके आधार पर फिर टेलीविजन पर लोग बोलेंगे कि आज ये तारीख आ गई, तारीख आ गई, जो पिछले साल की जून की बता रहे थे तारीख, जो नवंबर बता रहे थे, कोई अलग अलग कुछ लोग बता रहे थे, जबकि हम लोगों ने शुरू में ही बोल दिया था, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है कि अभी कोरोना समाप्त नहीं होने वाला है, ये लंबा चलेगा। और यही नहीं, हमने बहुत सारी आपको यूट्यूब पर और जगह भविष्यवाणियां हैं कि किस तरह से राजनीतिक प्रभाव पड़ने वाला है, किस तरह से आर्थिक प्रभाव पड़ने वाला, हर चीज सही थी। जब मोदी सरकार ने बहुत बड़ा 20,000 करोड़ वाला जो है ग्रांट दिया था, राहत पैकेज दिया था, उसमें भी हमने बोला इसको मोदी सरकार को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, न उनकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है, जनता नहीं लेने वाली साइडिंग से, बल्कि उतार पर ही मोदी सरकार को होगा। वो आप यूट्यूब पे वीडियो जा सकते देख सकते हैं आप जो है। तो ये सारी चीजें जो है किया गया और बताया गया। अब थोड़ा सा पहली बात जो है, एक और मैं कोरोना बार बार बोल रहा हूँ, ये कोरोना जो वायरस है ये बहुत पहले से चला आ रहा है, यह हम जो अभी हमने शोध बता रहे हैं केवल COVID-19 जो इसका वेरियंट आया है, जो इसका संस्करण आया है, इसके बारे में हमने बताया है। तो यह तारीख ने बताई है आपको 20 नवंबर 2021 की, यह तारीख जो है यह COVID-19 के समाप्ति की है। दूसरी बात, इसमें ग्रहों की चाल से इसमें अनांस एक होता है ज्योतिष के जानकार जानते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है 15 दिन 1 महीने, तो मोटा मोटा आप लोग मान सकते हैं कि 2021 में ही COVID-19 समाप्ति हो जाएगी।
तो यह है तारीख जो आप मानवता बहुत बेकरारी से प्रतीक्षा कर रही है कि कब समाप्त होगा कोविड-19। तो कोविड-19 जो 19 में निकला 21 में समाप्त होने जा रहा है, 20th नवंबर 2021। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल, क्योंकि हम आगे भी इस तरह के अपडेट देते रहेंगे व्यवहारिक रूप से। आइए, जो तारीख बता रहे हैं पूरे विश्व के लिए बता रहे हैं, किसी देश के लिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो प्रारंभ की तारीख थी वो भी विश्व के लिए थी और ये जो खत्म होने की तारीख वो भी विश्व के लिए है। तो हम आप सबके लिए, पता नहीं किसी के लिए राहत की सांस होगी कि अरे वाह समाप्त हो रहा है, और कोई लोग सोचेंगे कि अरे अभी तो 6 महीने और कोविड-19 का प्रकोप होने वाला है। आप सबके स्वास्थ्य की, समृद्धि की, सुख की, और सबसे बड़े आत्मिक सुख की, मन के सुख की जो है शुभकामनाओं के साथ, मैं हूं आचार्य कल्कि कृष्णन अष्टोद्योग।